जिस किसी घर में नन्ना मुन्ना बेबी होता है, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ ग्राई पॉटर का नाम ना सुना गया हो। ग्राई पॉटर को लोग बच्चों को सुलाने की दवा, पेट दर्द की दवा या टॉनिक समझ के रूटीन दवा ऐसा समझ चालू कर देते हैं। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है बच्चे के लिए ग्राई पॉटर सही या गलत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशोर गिरी, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस मंच पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और यदि आपके कोई प्रश्न कोई प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश की लगभग 4 से 5 पीढ़ियों के बचपन का साक्षीदार रह चुका ग्राई पॉटर असल में कोई दवा है ही नहीं। इसका इतिहास शुरू होता है सन 1842 इंग्लैंड से, जहां फेन फीवर नाम की मलेरिया सदृश बीमारी ने कहर बरपाया हुआ था। उस समय अल्कोहल, सोडियम बाइकार्बोनेट और शुगर मिला के एक फॉर्मूला बनाया गया था, जिससे इन पेशेंट्स में काफ़ी राहत पाई गई। इसी फॉर्मूले को सन 1851 में छोटे बच्चों पर आजमाया जिन्हें पेट दर्द की शिकायत रहती थी, और ये फॉर्मूला कारगर पाया गया। उस समय उनकी बिजनेस टैगलाइन थी, नानी ने माँ को दिया और माँ ने मुझे। इसी टैगलाइन को अलग अलग भाषाओं में भाषांतरित करके दुनिया भर में चलाया गया। शुगर कंटेंट की वजह से बच्चे उसको अच्छे से पीते थे, अल्कोहल की वजह से चैन से सोते थे और इस वजह से पेरेंट्स इसे धड़ल्ले से खरीदते थे। इसे विडंबना कहिए या मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सक्सेस कि मलेरिया जैसी बीमारी के लिए, वयस्कों के लिए अल्कोहल जैसी घातक चीज़ से बनी हुई दवा बच्चों के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही है। आज इस ग्राई पॉटर के कई सारे संस्करण हैं, कुछ में तो 9% तक अल्कोहल पाया जाता है। उसके बाद में USFDA ने इसे बैन कर दिया। इसके बाद मार्केट्स में अल्कोहल और शुगर फ्री कई सारे फॉर्मूलाज आ गए। जो भी घटक ऐड किए गए उनके सारे गुणधर्म अल्कोहल और शुगर जैसे ही थे। तो दोस्तों, ये था ग्राई पॉटर का इतिहास। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर, क्या बच्चों को ग्राई पॉटर देना सही है या गलत। मेरा जवाब है बिल्कुल गलत। बच्चों को कभी भी ग्राई पॉटर नहीं देना चाहिए। उसके कारण, सबसे पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को माँ के दूध के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं देना चाहिए। नंबर 2, 9% तक का अल्कोहल कंसंट्रेशन किसी वयस्क को भी इसका एडिक्टेड बना सकता है। इसके प्रयोग से बच्चों में ब्रेन के विकास के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, ग्राई पॉटर में पाया जाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कलोसिस करता है, बच्चे के नाजुक आंतों को नुकसान पहुंचाता है और मिल्क अल्कली सिंड्रोम जैसी कंडीशन कर सकता है जिसमें किडनी फेल होने का भी खतरा रहता है। इसमें पाया जाने वाला शुगर बच्चों का शुगर का टेस्ट थ्रेशोल्ड बिगाड़ता है, उसकी वजह से बच्चों को वीनिंग चालू करने में दिक्कतें होती है, नए उगने वाले दांतों में सड़न होती है। नंबर 5, ग्राई पॉटर की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। सुडोमोनास ऑरिजिनोसा और क्रिप्टोस्पोडियम सेप्सिस जैसे कई घातक सेप्सिस के उदाहरण इसके सामने आ चुके हैं। सन 2015 में हमारे भारत में पुदुचेरी में इस विषय पर एक अध्ययन किया गया। उसमें यह पाया गया ग्राई पॉटर पीने वाले बच्चों में 30% की बढ़ोतरी देखी जाती है पेट दर्द, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी तकरारों में। आज के वीडियो का मैसेज यही है कि बच्चों को ग्राई पॉटर बिल्कुल नहीं दे। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक फिट रहिए, सुपर हिट रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।